अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सिलसिला के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे। ज़ैन ईमान को कॉल करता है और कहता है कि मैंने कहा था ना कि मैं वापस जरूर आऊंगा, मुझे मेरा वादा याद है, और वो उसे वहाँ से मिलने के लिए बुलाता है। लेकिन ईमान बहुत ज्यादा परेशान होती है, लेकिन वो फिर भी ज़ैन से मिलने के लिए चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो ज़ैन के घर पहुँचती है, वो एकदम ज़ैन को अपने पीछे खड़ा देख कर डर जाती है और ज़ैन कहता है कि तुमने आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया। ईमान कहती है तुम्हें जो काम है वो बोलो, मुझे जाना है। ईमान जैसे ही जाने लगती है तो ज़ैन उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे गाड़ी में बिठा लेता है। दूसरी तरफ सलार भी घर पहुंच जाता है और उसे ईमान वहां नहीं मिलती, तो वो ईमान की बहन को कॉल करके कहता है कि ईमान आपके साथ है, लेकिन वो कह देती है ईमान तो मेरे घर नहीं आई। इसके बाद वो अपने भाई को भी कॉल करके कहता है कि ईमान तुम लोगों के साथ तो नहीं गई है, लेकिन वो भी साफ इनकार कर देता है। इसके बाद ज़ैन ईमान से कहता है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुमने 4 दिन पहले ही शादी से इनकार कर दिया। ईमान कहती है कि अगर तस्वीर का एक रुख भी होता है तो दूसरा भी देखना चाहिए, तो ईमान उसे सारी बात बता देती है। तो ज़ैन कहता है कि तुम मुझसे शादी तो कर सकती हो ना, तुम सलार को छोड़ दो। ईमान ये सुनकर हैरान होती है, लेकिन ईमान उसे समझाने लगती है। लेकिन उसी टाइम पर सलार वहाँ पहुंच जाता है और ईमान सलार को वहाँ देखकर एकदम घबरा जाती है और ज़ैन को तो उसे देखकर एकदम गुस्सा आ जाता है।